बात ये कर रहा था, आज रिजवान ने एक स्टेटमेंट दी, मैं आप तीनों से पूछूंगा एक एक करके क्या वो स्टेटमेंट उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है। रिजवान ने कहा कि कभी कभी ये क्राइम्स होते हैं, कभी कभी हम एक्टिंग कर रहे होते हैं कि क्राइम्स पड़ गए। अच्छा, मेरी आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी तो आपने कहा ये स्ट्रेटेजी है और ये स्मार्ट प्ले है। यस, इमान आपसे स्टार्ट करूंगा। जबरदस्त चीज है ये, इसको कहते हैं कि अपना टाइम लेना, सांस लेना, स्मार्ट क्रिकेट। इसी तरह मैं कहता हूँ बॉलर्स भी ऐसे करें, अगर रन्स हो रहे हो, फ्लो हो रहा हो तो रोक दें, दो मिनट एक मिनट को रोक, अगर चौके वॉके पड़ रहे हैं फ्लो में है तो उसको फ्लो तोड़ें, या अगर बैट्समैन फंसा हुआ है, हम कहते हैं कि सिंगल्स नहीं ले तो जल्दी जल्दी ओवर करें। तो ये बहुत क्रिटिकल होती है इन टर्म्स ऑफ विनिंग द गेम और लूजिंग द गेम, which is a great thing. I think he's very clever. Amir bhai, आप भी ऐसा करते हो चौके वॉके अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्टिंग एक्टिंग कर ली थोड़ी? मैं भी अक्सर तब जब देखता हूँ ना कि बैट्समैन भाई साहब अब मार रहा है, कोई रहम नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ जब बॉल एक करता हूँ ना, दोबारा वॉक जो है स्लो शुरू कर देता हूँ, स्लो जाऊं, सोचता हुआ जाऊं, सांस लूं, आप उधर से मार भी पड़ रही हो और जल्दी जल्दी वापस जा रहे हो तो आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि और वो रिदम में आ रहा है बैट्समैन, वो रिदम में आ रहा है, तो मोमेंटम आपको तोड़ना चाहिए गेम का। कई दफा जैसे इमाज ने भी बात की है ना कि अगर तो बैट्समैन नया है तो जल्दी जल्दी उस पर डॉट बॉल क्रिएट करो, उसको टाइम ना दो सोचने का। अगर वो मार रहा है, कई दफा मैं लेसिस खोल के बैठ जाता हूँ कि टाइम अच्छा यार नहीं, हाँ कौन सा बॉल करूँ, तो ये एक प्रैक्टिस होती है और जो रिजवान ने बहुत अच्छी आज की। रजी भाई एग्री करते हैं इस थ्योरी से? देखें, ऑस्ट्रेलियन करते थे, वो मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करते थे हमेशा, ठीक है, ऐसे ही सारे गेट टुगेदर हो गए, तीन चार प्लेयर आपस में बात करनी शुरू कर दी और बैट्समैन जब पार्टनरशिप लगी हुई है तो हम वेट कर रहे थे कब ये डिस्कशन ख़त्म करें तो हम दोबारा स्कोर करना शुरू करें, तो वो करते थे। ये अच्छी है, उसमें तो नेगेटिव भी होता है थोड़ा सा, पर इतना नेगेटिव होना नहीं चाहिए, ठीक है, आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं समटाइम्स आपको बताऊं, आप कभी अगर देखे भी तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ही ज्यादातर विकेट गिरती है, ऐसा ही है, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ही मोमेंटम दूसरी टीम को मिलता है। 99 के वर्ल्ड कप में सईद भाई ने ग्लव्स मंगवाए थे, अच्छा खासा फ्लो में खेल रहे थे। एक्जेक्टली, सो ये अगर ये ताबड़ पे क्रिकेट खेल रहे होते ना, उन्होंने दो बॉलों पर छक्के खाने के बाद वॉशरूम चले जाना। क्यों? वॉशरूम जाता, अंदर खटखटाता, रजाक भाई बाहर आ जाए, मैंने खा लिया, आपको नहीं मारेंगे। नहीं, बात नहीं मरी। आप तो फ्रस्ट्रेशन निकाल लो ना रनिंग करके। अच्छा।